वाराशिवनी नगर में सुबह 9 बजे कब्रिस्तान में नमाज अदा कर मुस्लिम समाज ने हर्षोल्लास के साथ ईद का पर्व मनाया। इस मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर दिली मुबारकबाद पेश की, साथ में सेवैया और पकवान खिलाकर भी ईद की मिठास घोली। ईद के मौके पर विधायक प्रदीप जायसवाल, पूर्व विधायक योगेंद्र निर्मल, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष विकी पटेल सहित मुस्लिम समाज के सदर इकबाल कुरैशी ने भी ईद की बधाई प्रेषित की। विधायक ने कहा कि ईद का पर्व हम सभी लोगों को आपसी प्रेम और सद्भाव से जोड़कर रखता है। बालाघाट जिले के विकास में मुस्लिम भाइयों का भी योगदान रहा है, इसीलिए सद्भाव और भाईचारा को बनाए रखना हम सब का कर्तव्य है। पूर्व विधायक योगेंद्र निर्मल ने वाराशिवनी खैरलांजी क्षेत्र के समस्त मुस्लिम भाइयों को ईद की बधाई दी, साथ में कहा कि ईद का पर्व हमें आपसी भाईचारा सिखाता है। देश देश के सबके विकास की सबकी विकास लाभ की जो कामना की उसके लिए ईद के स्वास्थ्य और समय सभी अपने भाइयों को बहुत बहुत शुभकामना बधाई देता हूँ। ईद का जो पर्व है ये वाराशिवनी को हमेशा आपसी प्रेम भाव सद्भाव के माध्यम से समाज के सभी लोगों को जोड़ के रखे और मुस्लिम समाज का वाराशिवनी के विकास में जिले के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। कामना देते हैं और ये जो ईद का त्यौहार है वास्तव में हिंदू और मुस्लिम के लिए भाईचारे का त्यौहार है। आपस में रिश्तों को मजबूत करता है ये ईद का त्यौहार। और इस त्यौहार पर मैं अपने मुस्लिम भाइयों को विधानसभा क्षेत्र के सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ ईद की। और आपस में हमारा भाईचारा और मजबूत हो, हम एक दूसरों के प्रति जो है बहुत अच्छे संबंध रखें और शांति स्थापित करें। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं।